press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. से ज़्यादा आई थिंक 17 साल 14. ओके सो आई थिंक वी लॉन्च इन 2000 द फर्स्ट संजीवनी एंड इट्स कमिंग बैक इन 2019. बहुत एक्साइटेड है एंड सबसे अमेजिंग बात है कि अमेजिंग रिकॉल वैल्यू है इस शो का. जब से हमारा फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ टू द विसल चैलेंज और आज हमारा प्रोमो लॉन्च हुआ है, सो द अमाउंट ऑफ एंटिसिपेशन जो फैंस में है, जो ऑलरेडी दे आर लविंग अस यू नो एंड दे आर वेटिंग फॉर दिस शो. सो आई वॉज एब्सोल्युटली अमेज्ड कि यू नो एक हिट शो इतने सालों बाद आ रहा है बट लोगों के साथ जो कनेक्ट है, विच ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज उतना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं किरदार को लेकर जितना प्रोमो में लोगों ने देखा. वेल आई एम प्लेइंग अ डॉक्टर, आई एम प्लेइंग डॉक्टर अंजलि. सबसे पहले तो मेरी माँ बहुत खुश थी बिकॉज आई कम फ्रॉम अ क्विंटेसेंशियल मिडिल क्लास बंगाली फैमिली और वहाँ पे सब चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूँ. सो माई मदर वॉज लाइक चलो बेटी रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में तो डॉक्टर बन गई. सो आई थिंक शी इज़ दी हैप्पीएस्ट. माई एसोसिएशन विद स्टार इज़ वेरी लॉन्ग. मेरे करियर में काफ़ी सारे शोज और इंपॉर्टेंट शोज स्टार के साथ रहा है. सो आई थिंक आई एम जस्ट टेकिंग दैट रिलेशनशिप अहेड. सिद्धार्थ मल्होत्रा हु इज़ माई प्रोड्यूसर, सिद्धार्थ एंड सपना एल्केमी फिल्म्स, आई थिंक दे आर ब्रिलियंट. जिस तरीके से उन्होंने हमारे सारे टीम को एक साथ बांध के रखा है एंड द टीम इट सेल्फ, हमारे डायरेक्टर अभिजीत दास, द एक्टर्स यू नो मुनीश जी, गुरदीप जो पहले सीजन से कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड देन आई हैव जॉइंड इन दिस रोहे, दिस सुरभी, देर इज नमित, देर इज रश्मि, देर इज जेसन, देर इज होल लॉट ऑफ अस. सो इट्स अ ग्रेट फन लविंग एंड रियली हार्ड वर्किंग गैंग. एंड शो का जो जॉनर है, मुझे लगता है लोगों में इतनी एंटिसिपेशन और इतनी चाहत अभी इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल का एक ओवरडोज हो गया है. सो यू नो अ रियल लाइफ स्टोरी विच इज़ लाइक अ स्लाइस ऑफ लाइफ. और हम लोगों ने मेकिंग में भी उतना ही ध्यान दिया है कि हम उसको एज क्लोज टू रियलिटी रख सके. आप जब प्रोमोज देखेंगे, हमारा जो लुक भी है वो टिपिकली टीवी में बहुत सारा मेकअप लाउड ड्रेसिंग नहीं है, इट्स केप्ट एज नेचुरल एज वी कैन. माई रोल अगेन एज आई सेड आई एम प्लेइंग डॉक्टर अंजलि एंड ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगी. आई वुड वॉन्ट ऑल टू वॉच द शो. शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक एंड आई एम लविंग इट. यू नो एज एन एक्टर आई एम बींग चैलेंज्ड, जैसे कि मैंने कहा वो टीवी में जैसा हम देखते आए हैं इन द मेकिंग इन द परफॉर्मेंस, उससे हम हटके रियल करने की कोशिश करें. सो फॉर मी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेमोरेबल जर्नी. ऑन सेट रियल लाइफ डॉक्टर्स भी थे जी, तो उनसे क्या सीखा आप लोगों ने, थोड़ा सा बताइए. जी हाँ, एज आई सेड आवर मेकर्स सिद्धार्थ इज यू नो वो बहुत ख्याल रख रहे हैं इस बात का कि हम डॉक्टर्स पे आधारित एक शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो टीवी है लाइसेंस लेके कर लेते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, मेडिकल टर्म्स, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए. यू नो इवन बीइंग अ डॉक्टर देर आर डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लाइक आई हैव अ फील्ड ऑफ अ सर्टन डॉक्टर, देर आर अदर्स हु आर प्लेइंग देर फ्यू सर्जन्स, देर गायनेकोलॉजिस्ट. तो हर किसी की जो बॉडी लैंग्वेज है या द टर्मिनोलॉजी, किस तरह बिहेव करना चाहिए. ओटी में जा रहे हैं तो हमारे में वी शुड नॉट वेयर एनी ज्वेलरी, वेदर इट्स अ इयर रिंग्स, वो सब बारी किया जो है. एंड डॉक्टर्स यू नो इट्स लाइक विथ हेड एक, आई डिड अ सीन विथ मुनीश जी जहाँ पे उनको हेड एक था. सो द डॉक्टर हेल्प अस यू नो कि जब इस तरीके का हेड एक होता है, हाथ इधर नहीं इधर जाना चाहिए. सो इट रियली हेल्प्स इन द ऑथेंटिसिटी. और यही सारी चीज़ें हैं विच आई थिंक द ऑडियंस विल लव बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज क्लोज टू रियल लाइफ एज पॉसिबल. और मुझे बहुत यू नो पर्सनली आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई लुक बिकॉज ऑब्वियसली अभी तक एपिसोड देखा नहीं है, तो परफॉर्मेंस के लिए अभी तक तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते. एज आई सेड सबको लग रहा है इट्स अ ब्रीदर फॉर द आई बिकॉज बहुत लाउड मेकअप क्लोथ्स किसी का भी नहीं है. एवरीबडी इज इन सॉफ्ट कलर्स, लाइक हाउ यू वुड एक्सपेक्ट अ डॉक्टर टू बी. ऑफकोर्स हल्का सा ग्लैमर है बिकॉज वी आर ऑल्सो केटरिंग, हम टी वी में आ रहे हैं, बट अगेन द एफर्ट इज टू कीप इट एज रियल. एंड मेरे लिए आई हैव अ वेरी स्लीक लुक, आई एम वेयरिंग कॉटन साड़ीज विद अ लॉट ऑफ इनकट ब्लाउजेज, आई एम प्लेइंग वन ऑफ द हेड सर्जन, सो यू नो वो पर्सनैलिटी आनी चाहिए एंड वेरी स्लीक लुक. जनरली अगर आप टी वी में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर लॉन्ग कर्ल्स एंड लॉट ऑफ बिग हेड डू. Again, the emphasis is to look a doctor. So I have got a lot of compliments for my look and I'm just hoping and praying people love my performance also. Ji.
हाँ, एज आई सेड, इट्स अ मिक्स थिंग, यू नो, लोगों का प्यार और जो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है, बट दैट ऑब्वियसली गिव्स यू एडेड प्रेशर बिकॉज यू गॉट टू एक्सेल, द एक्सपेक्टेशन इज सो हाई, बट आई थिंक दैट इज द चैलेंज एंड द टीम इज रियली रियली, यू नो, वी आर काइंड ऑफ लिविंग अप टू दैट, यू नो, दैट चैलेंज. It is motivating us to do well. And Monish ji and Gurdeep to hai first season se, so they are keep on, you know, they keep on giving us tips about pehle ye karte the, wo karte the. So it's a fine blend of what happened then and, in, you know, blending it with what's the reality today. So yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.